हेलो एंड वेलकम टू द चैनल मिस्टर एक्सपीरियंस। इस चैनल पे आपको 10th के वो सारे चीज़ मिलेंगे जो आपको चाहिए, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर, चैप्टर एक्सप्लेनेशन फॉर डिटेल में। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट लिटरेचर का पहला चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को लिखे थे G.L. Fiennes। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं इसका थोड़ा सा समरी बता दूं कि लैंगचो एक फार्मर होता है जो गॉड को लेटर लिखता है, क्योंकि उसका गॉड में बहुत फेथ होता है। वो गॉड को लेटर इसलिए लिखता है क्योंकि उसका जो क्रॉप्स है, उसका जो क्रॉप है, उसका जो फसल है, वो रुइन हो जाता है, मतलब वो बर्बाद हो जाता है। तो वो गॉड को लेटर लिख के उनसे 100 पैसोज मांगता है, और उस लैंगचो को वो लेटर उस लैंगचो का वो लेटर गॉड तक पहुँचता है कि नहीं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल। द हाउस, इसका मतलब एक हाउस है लैंचो का, जो कहाँ है, एंटायर वैली में है, और वो कहाँ पे बैठ के देख रहा है। क्रस्ट का मतलब टॉप ऑफ द हिल, तो वो घर टॉप ऑफ द हिल है और लैंचो वहाँ से बैठ के देख रहा है। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर, उस हाइट से क्या क्या दिख रहा है, रिवर दिख रहा है, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न दिख रहा है, डॉटेड विथ फ्लावर्स एंड ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उस हिल से आपको रिवर दिख रहा है और फील्ड दिख रहा है राइप कॉर्न का, और फ्लावर्स दिख रहे हैं, और ऐसा देखने पे लग रहा है कि वो अच्छा हार्वेस्ट हो जाएगा, मतलब अच्छी कटाई होगी, ये लंचो बैठ के सोच रहा है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर, एटलीस्ट अ शावर। और इन फसल को देखते हुए वो ये भी सोच रहा है कि एक ही चीज़ जो इन फसलों को चाहिए, वो चाहिए शावर, यानी कि बारिश। इन फसलों को सिर्फ एक बारिश चाहिए। थ्रू दो आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सुबह से लेंचो मॉर्निंग से नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि काश काश मेरे जो फील्ड है उसमें बारिश हो जाता, और वो आकाश की तरफ उम्मीद लगा के बैठा हुआ था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। सपर, वो वुमेन कौन है, लैंचो की पत्नी। लैंचो की पत्नी क्या कर रही थी, सपर मतलब होता है रात का खाना, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, और वो बादलों बादल लगे थे, तो उसकी लैंचो की पत्नी बादल को देख के बोलती है कि अब हमें कुछ पानी मिलेगा, यानी कि कुछ बारिश होने वाली है। यस द गॉड विलिंग, द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल वुमेन कॉल्ड देम ऑल। अगर भगवान चाहे तो बारिश हो जाए, ऐसा वो वुमेन सोचती है। और क्या सीनरी दिखा रहा है, ये कुछ बच्चे, कुछ जवान बच्चे खेल रहे हैं फील्ड में, खेत में खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं, और कोई छोटे छोटे बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, घर के पास छोटे 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 बच्चे भी खेल रहे हैं। और जब वो बच्चे खेल रहे हैं, तो लंचों की पत्नी उन सारे बच्चों को बुलाती है, कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग अ मील दैट जस्ट एज लंचो हैड प्रिडिक्टेड। वो उसकी पत्नी बुलाती है कि कम टू द डिनर, इट वॉज मील टाइम एंड जस्ट एज लेंचो प्रेडिक्टेड, और जैसा ही लेंचो प्रेडिक्ट किया था, सोचा था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, और बड़े बड़े जो बारिश के बूंद थी वो गिरने लगी धीरे धीरे। सब लोग बहुत खुश हुए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट की तरफ, माउंटेन्स की तरफ क्लाउड आ रहा था धीरे धीरे, क्लाउड को देखा जा सकता था आते हुए, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और एयर किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि एयर फ्रेश और स्वीट था। अ मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन हैव द प्लेजर ऑफ द फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी। मैन मतलब लंचो, लंचो बाहर गया घर से, किस चीज़ के लिए बाहर गया, अच्छा हवा चल रहा है, अच्छा बारिश हो रहा है, उस चीज़ को फील करने के लिए गया। अच्छा हवा बारिश चलता है तो हम भी घर से बाहर जाते हैं कि इतना अच्छा हवा चल रहा है, बारिश चल रहा है, वैसे ही लंचो प्लेजर लेने के लिए बाहर गया, और उसके शरीर पे फिर बारिश होने लगी, बारिश की बूंदें पड़ने लगी। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सप्लेन्ड, और जब वो घर आया वापस, तो वो क्या बोला, दीज आर एंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। वो बोला कि
ये जो बारिश गिर रही है ये बारिश नहीं है जो आसमान से गिर रही है, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड लिटिल वंस आर 5. वो बोला कि ये एक कॉइन की तरह है. कॉइन क्यों? क्योंकि अगर बारिश होता, फसल बढ़ता, तो इससे लेंचो का ही फायदा होता, उसका मुनाफा बढ़ता, तो उससे उसका पैसा मिलता. तो वो बारिश को पैसे से कंपेयर कर रहा है कि ये एक कॉइन है. जो बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट्स के पीसेस हैं, और जो छोटे वाले हैं वो 5, मतलब 5-10 रुपये होता है, वही बड़े वाले 10 सेंट्स और छोटे वाले 5. आगे देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ में. विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ हिज फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन. और वो सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के बाद जो वो सोचा, याद किया, जो फील्ड था राइप कॉर्न का, जो फ्लावर्स राइप कॉर्न था, फ्लावर्स था, वो थोड़ी देर में बारिश से ढक गया. सब उसका खेत था वो बारिश से भीग गया, ढक गया. लेकिन बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल. लेकिन अचानक से क्या हुआ, बहुत तेज हवा चलने लगी और हेल स्टोन मतलब कि पत्थर, पत्थर गिरते हैं वो हेल स्टोन, वो पत्थर गिरने लगे. अब पत्थर गिरेंगे तो उसके खेत तो और बर्बाद हो जाएगी, और इतनी हवा चल रही है तो पौधे वैसे ही उखड़ जाएंगे हवा के कारण. तो पत्थर गिरने लगा. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पर्ल्स. और दीज ट्रूली रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन का मतलब ये सच में एक सिल्वर कॉइन है. ये रैंचो अभी भी मन में ऐसा सोच रहा था. द बॉयज मतलब जो बॉयज खेल रहे थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन, वो रेन के साथ भी खेलने लगे. वो बाहर गए, फ्रोजन पर्ल्स मतलब कि जमे हुए पत्थर, यानी कि बर्फ जो गिरती है उस पत्थर को बिनने लगे, कलेक्ट करने लगे. थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. अब क्या हो रहा था, वो बहुत गंदा हो रहा था क्योंकि बहुत तेज हवा चल रहा था और बहुत सारे पत्थर गिर रहे थे. तो लेंचो को लगा कि मेरा पूरा जो खेत है वो खराब हो जाएगा. तो वो ऐसा सोच रहा था, वो बोला कि इट्स गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, मैन मतलब लेंचो, आई होप इट पासेस क्विकली. वो बोला कि लेंचो सोच रहा था, बोल रहा था कि ये जो हवा चल रही है या फिर ये पत्थर गिर रहा है जल्दी चले जाए, वरना जो मेरा खेत है वो खराब हो जाएंगे. इट डिड नॉट पार्ट पास क्विकली, और वो जल्दी से लेकिन नहीं बीतता. जैसा लेंचो सोचा कि जल्दी से बीत जाए वैसा वो नहीं बीतता. फॉर एन आवर द हिल रेन ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली. और एक घंटा के लिए वो पत्थर बरसा. पत्थर यानी कि पत्थर में किसको बोल रहा हूँ, बर्फ, बर्फ का जो स्टोन गिरता है उसको मैं पत्थर बोल रहा हूँ. तो वो बर्फ का जो स्टोन है वो एक घंटे के लिए बरसा. कहाँ कहाँ, गार्डन में बरसा, हिल साइड में बरसा, उसके पूरे खेत में बरसा, वैली में बरसा. ठीक है, और ऑब्वियसली बारिश होगी तो हर जगह होगी, एक जगह तो होगी नहीं. फिर द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. और फील्ड कैसा दिख रहा था, वाइट दिख रहा था. वाइट क्यों, क्योंकि वहाँ पे वहाँ पे वो आइस के पत्थर थे. तो आइस के पत्थर इतने सारे हो गए कि फील्ड वाइट दिख रहा था. और कैसा दिख रहा था, जैसे कि जो फील्ड है वो नमक से ढक गया हो, ऐसे ही नमक से ढक गया हो ऐसा दिख रहा था कि फील्ड वाइट, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बर्फ के पत्थर गिर चुके थे. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन ट्री, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. नॉट अ लीफ मतलब कोई भी एक लीफ ट्री पे नहीं बचा. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयज, जो कॉर्न का फील्ड था, मक्के का फील्ड था, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, एकदम बर्बाद हो गया. द फ्लावर्स वेयर गॉन, और जो जो फ्लावर्स थे वो चले गए, उड़ गए, बर्बाद हो गए. और जो प्लांट्स थे वो भी. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थे, लेंचो था, वो अंदर से एकदम टूट चुका था, वो एकदम सैड हो गया. वेन द स्टॉर्म हैज पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन. और जब ये सब हो गया तब वो उठा और फील्ड के मिडिल में जाके सन को बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. लोकस्ट मतलब टिड्डे, अभी कुछ टाइम पहले टिड्डे का अटैक हुआ था. तो जो टिड्डे आके खेत को खाते हैं वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाते हैं. मतलब जब ऐसा ऐसा सब कुछ तबाही मचा तब कुछ भी नहीं बचा था खेत में. तो वो ऐसा एक्सक्लेम कर रहा था कि अगर टिड्डे खाते तब भी वो इस चीज़ से ज़्यादा कुछ ना कुछ तो छोड़ ही देते. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और जो पत्थर था, जो हवा था, वो कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा उसका खेत बर्बाद हो गया. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और वो बोल रहा था कि इस साल हमारे पास कुछ भी कॉर्न, हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है. दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, और उस रात उसे नींद नहीं आई, और उस रात उसका बहुत दुखी वाला रात गया, वो बहुत सौरव कर रहा था.
ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और वो सोच रहा था, मन ही मन बोल रहा था कि हमारा जितना भी काम है, हम जितना भी काम खेत में किए हैं, वो किसी चीज़ के काम नहीं आया, और इस चीज़ के लिए हमारे पास हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं है, और ये साल लग रहा है कि हम हंग्री जाएंगे, हम भूखे ही बनेंगे इस साल। लेकिन फिर अगले पैराग्राफ में देखते हैं, बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, देर वेर अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। और उस विलेज में वो एक छोटा सा व्यक्ति था, उसके हेल्प करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक दिल था, और उस वो दिल से भगवान को बहुत मानता था। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स वॉट दे से। और वो आपस ही में बात कर रहे हैं, वो आपस में पॉजिटिव सोच रहे हैं कि अपसेट मत होना, जितना भी टोटल लॉस हुआ है कोई भी भूखा नहीं मरता है, ऐसा वो अपने में बात कर रहे थे कि कितना भी नुकसान हो जाए कोई भी भूखा तो नहीं ही मरेगा। ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ऑफ ओनली ओनली वन हेल्प वन होप हेल्प फ्रॉम गॉड, और पूरी रात बस लेंचो एक ही चीज़ सोचता रहा कि काश मुझे भगवान से थोड़ी मदद मिल जाती। हुज आईज एज ही इज बिन इंस्ट्रक्टेड सी एवरी थिंग इवन वॉट इज हेल्प इन द वंस कोइंसिडेंस, और उसके आँख वही चीज़ सोच रहे थे कि क्या हो सकता है आगे, कैसे भगवान मदद कर सकते हैं, उसी के बारे में वो सोच रहा था कि वो कैसे कैसे हुआ, कैसे तबाही मचा, कैसे कोइंसिडेंस हो गया कि मेरा पूरा खेत ही खराब हो गया। कॉन्साइंस लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग इन द एनिमल एनिमल इन द फील्ड, बट ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो जो था वो खेतों में जानवरों की तरह मेहनत करता था। इससे क्या पता चलता है कि लेंचो अपने खेत में बहुत ज़्यादा मेहनत करता था फील्ड को उगाने के लिए, पौधे को उगाने के लिए। तो वो एकदम फील्ड में बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वो उसको थोड़ा सा पता था कि उसको कैसे लिखना है। तो वो क्या किया, दिस फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन अ स्मॉल मेल। और वो मन ही मन सोचा कि ये जो संडे आने वाला है, दिस फॉलोइंग संडे ही मे राइट अ लेटर, वो एक लेटर लिखेगा। किसको लिखेगा, वो एक लेटर लिखेगा और उस लेटर को जाके खुद टाउन जाके उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देगा। ठीक है, दस लेटर दैट वाज इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। तो वो लेटर किसको लिख रहा था, वो लेटर लिख रहा था भगवान को, गॉड को। तो वो लेटर में क्या लिखा, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव एंटिल अ क्रॉप कम्स। ठीक है, वो लेटर में लिखा कि गॉड मेरी हेल्प अगर आप नहीं किए तो मैं और मेरी पूरी फैमिली इस पूरे साल भूखे मर जाएंगे, हम पूरे भूखे रहेंगे इस साल। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 100 pesos चाहिए। वो भगवान से 100 pesos मांग रहा है, किस लिए मांग रहा है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने फील्ड में जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए, और अपने फील्ड को अपने खेत को फिर से उसमें उतना पौधे लगा के उगाने के लिए मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। कितने, 100 pesos वो भगवान से मांग रहा था, क्योंकि इस साल कुछ भी क्रॉप्स नहीं आया, क्योंकि एंड टू लीव अंटिल अ क्रॉप कम्स, और जब तक नया क्रॉप नहीं आ जाता तब तक जीने के लिए मुझे भी कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि इतने हिल स्टॉर्म बरसे, इतने आंधियाँ चले कि मेरा पूरा खेत खराब हो गया। उसके बाद लिखता है, ही रोड टू गॉड ऑन एन एनवेलप, पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स। वो लेटर को एक एनवेलप में डालता है और एनवेलप में जाके उसको मेल बॉक्स में डाल देता है, और फिर भी वो मन में मन सोचता रहता है कि आखिर मैं भगवान को लिखा हूँ, पहुँचेगा भी कि नहीं। फिर वो क्या करता है, फिर वो टाउन चला जाता है और पोस्ट ऑफिस जाके उस पर स्टैम्प लगाता है, स्टैम्प लगाते मेल बॉक्स में, स्टैम्प लगा के और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। अगले पैराग्राफ में क्या है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्ट मैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। वो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय, एक पोस्ट मैन जो पोस्ट ऑफिस में काम कराता था, वो अपने बॉस के पास गया हंसते हंसते, और दिल से खुशी से वो अपने बॉस को दिखाया कि देखो कोई लेटर, भगवान के लिए लेटर लिखा है, सोचो कोई भगवान के लिए लेटर भी लिख सकता है, ये देखो मतलब मुझे एक लेटर मिला है जिसमें कोई भगवान को लेटर लिखा है।
नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही हैड दैट एड्रेस पोस्टमैन ऑफ फैट मार्बल. ठीक है, नेवर नेवर ही हैज दैट एड्रेस. उस जो पोस्टमैन था वो उसके पास वो एड्रेस कभी था ही नहीं, भगवान का जो एड्रेस लिखा था वो था ही नहीं, क्योंकि भगवान का एड्रेस कोई जानता ही नहीं है. और जो द पोस्ट मास्टर था, जो उसका बॉस था, वो कैसा था? द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, थोड़ा मोटा था, थोड़ा हंसने वाला था. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी उस लेटर को देख के हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क. बट अचानक से वो सीरियस हो गया और लेटर को अपने डेस्क पे रखा और कमेंट किया, मतलब बोला, व्हाट फेथ, आई विच आई हैड द फेथ ऑन द मैन हु रोट दिस लेटर. और वो खुश हो गया, वो ऐसा सोचने लगा कि क्या भरोसा है उस व्यक्ति का, भगवान पे क्या भरोसा है, काश मेरा भी ऐसा ही भरोसा होता जैसे उस आदमी का है. स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डिंग ऑन द गॉड, गॉड पे क्या भरोसा है, उसी को वो रेफरेंस दे रहा था वो लड़का. अगले पैराग्राफ में लिखा है, सो इन द ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर कम अप विथ एन आइडिया. जो आदमी लिखा था लेटर, उस लेटर उसके भगवान में भरोसे को ना तोड़ने के लिए, अगर अगर मान लो उसको भगवान रिप्लाई नहीं करते, चाहे पैसा नहीं देते, तो आदमी का जितना भरोसा था भगवान पे वो पूरा टूट जाता. तो उस व्यक्ति के भरोसे को ना तोड़ने के लिए पोस्टमास्टर जो था वो एक आइडिया के साथ आया. क्या आइडिया के साथ आया? आंसर द लेटर, क्योंकि वो उस लेटर का आंसर करेगा. बट व्हेन ही ओपेंड इट, और जब वो उसको खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड अ समथिंग मोर देन अ गुड विल. और जब वो खोला तब उसे पता चला कि उसको एक पैसा चाहिए, सिर्फ लिखने से काम नहीं होगा, उस व्यक्ति को पैसा भी चाहिए. ठीक है, इंक एंड पेपर, इंक एंड पेपर मतलब लिखने से ज़्यादा चाहिए उसको कुछ, मतलब उसको पैसा चाहिए. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, और उस वो अपने काम में स्टक हुआ, मतलब वो जो डिसाइड किया था उसी पे वो स्टक रहा, मतलब उसको उसकी हेल्प करनी ही थी उस व्यक्ति की. तो वो क्या किया, ही आस्क्ड अ मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसके जितने भी एम्प्लॉयज थे उन सबसे थोड़ी थोड़ी मनी मांगी. ही हिमसेल्फ गेम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी भी थोड़ी सी सैलरी काट के उसमें मिला दी, उस मनी में सबसे कलेक्ट किया और थोड़ी सी अपनी भी सैलरी उसमें मिला दी. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और जितने भी फ्रेंड थे वो थोड़े थोड़े करके पैसे दिए, किसके लिए, एक चैरिटी के एक्ट के लिए, भले के काम के लिए वो सब पैसे दिए. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोस, और उसके लिए वो 100 पैसा गैदर करना एक बहुत ही मुश्किल काम था, तो वो सबसे थोड़ा थोड़ा मांगा. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटल मोर देन हाफ, तो वो पूरा 100 पैसोस जमा नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ा जितना वो कर पाया उतना वो किया. तो वो कितना किया, हाफ, ही पुट द मनी इन एन ओनली लिटल मोर देन हाफ, ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लैंचो, और वो मनी को एनवेलप में डाला और एड्रेस को कहाँ भेज दिया, उसको लेटर को लैंचो के पास भेज दिया. एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर वर्ड गॉड. तो उस और उस जब वो लेटर लैंचो को भेजा गॉड की तरफ से लिख के, तो उस लेटर में पैसा था और सिर्फ एक सिग्नेचर था छोटा सा, और सिग्नेचर के सामने क्या लिखा हुआ था, गॉड. मतलब वो उस व्यक्ति को ये जनाना चाह रहा था कि मैं गॉड हूँ, गॉड की तरफ से मैं तुम्हारी हेल्प किया हूँ. अगले पैराग्राफ में देखते हैं, अगले पैराग्राफ में क्या लिखा है. द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर एंड यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और ये संडे जो अगला संडे आया उसमें लैंचो जल्दी जल्दी थोड़ा जल्दी आ गया, अपने काम से जिस टाइम में आता था उससे पहले आ गया और पूछने लगा कि मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, और वो पोस्टमैन खुद यही व्यक्ति था, पोस्टमैन जो कलेक्ट किया पैसा, वही खुद लंचों को जो एनवेलप था उसे दे दिया. ठीक है, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु वाज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो एक्सपीरियंस किया कि वो मैन कितना अच्छा था, उस मैन में गुड डीड था, और वो अपने ऑफिस में सबको बताया, अपने ऑफिस से सबको उसको दिखाया कि देखो यही वो आदमी है जो जिसमें जिसको गॉड में इतना फेथ है. लंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और जब लंचो मनी को देखा तो वो कोई सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता था, उनको उसको इतना विश्वास था कि गॉड जो है वो पैसा दे ही देंगे. सच वॉज इज कॉन्फिडेंस, उसका इतना कॉन्फिडेंस था. बट ही बिकेम एंग्री वैन ही काउंटेड द मनी, बट वो गुस्सा हो गया जब वो मनी गिना, उसको लगा कि 100 पैसों हैं, लेकिन जब वो मनी गिना तो वो गुस्सा हो गया. गॉड
कुड नॉट हैव मेक अ मिस्टेक, और वो समझ गया कि भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते, भगवान पैसा गिन के देने में मिस्टेक कैसे कर सकते हैं, वो तो भगवान है। नॉर कुड ही हैव डेनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्ट, और ना ही लेंचो की बात को काट सकते हैं, लेंचो उनसे पैसा मांगा था तो ना ही भगवान ये बोल सकते कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, अगला पैराग्राफ में क्या लिखा है, लेंचो जो रिक्वेस्ट किया था उसको वो भगवान देंगे, उसके पास ऐसा कॉन्फिडेंस था। अगले पैराग्राफ में, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेन एंड इंक, और अचानक से लेंचो विंडो के पास गया और आसपास के लोगों से क्या मांगा, पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठ के वो क्या लिखने लगा, वो कुछ लिखने लगा, क्या लिखने लगा, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज बाई एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और फिर वो इतना जो इफ़र्ट किया था खेत में, इतना इफ़र्ट किया भगवान से पैसा मांगने में, उसको अपने आइडियाज़ को वो भगवान को एक्सप्रेस कर रहा था, वो भगवान को बता रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, और जब वो लिखना ख़त्म कर दिया वो विंडो के पास गया स्टैम्प लेने के लिए, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू एनवेलप, जिसको वो चाट के एनवेलप पे चिपका दिया, जैसे ऐसे ही लोग फेविकोल की जगह से चाट के चिपकाते हैं वैसे ही वो चाट के एनवेलप पे चिपका दिया। With a blow of his fist, और अपने हाथ को एनवेलप हाथ से एनवेलप देते हुए, द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सेड गॉड, और वो अपने हाथ से वो मेल बॉक्स में लेटर जो था वो डाल दिया, लेंचो जो लेटर लिखा था वो मेल बॉक्स में डाल दिया, और द पोस्टमैन जो था वो जाके उसको खोला और पढ़ा, मतलब वो बोला क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, लेंचो के दिमाग में क्या आया, वो क्या सोचा, उस लेटर में लिखा था कि भगवान अगर आप मुझे पैसे दे रहे हैं तो आप मुझे 100 pesos दिए होंगे, लेकिन मेरे पास 70 pesos ही आए हैं, तो अगर भगवान मेरे पास जो पैसा नहीं आया है 80-20 pesos वो मुझे आप लौटा दीजिए, मतलब फिर से दे दीजिए, लेकिन इस बार मुझे मेल से मत सेंड कीजिएगा पैसा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, वही 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 आधा उनको, उसको लग रहा था कि आधा पैसा वही एम्प्लॉयज़ खा जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था, वो एम्प्लॉयज़ ही कलेक्ट करके उसको 70 pesos दिए थे, लेकिन लेंचो गलत समझ रहा था, लेकिन उसको गॉड में बहुत ज़्यादा फेथ था। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। एक सजेशन आप लोग टेंथ में तो मैं दूंगा, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक बीच बीच में है, इसका जो आंसर है वो रट लेना एकदम अच्छे से, और थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट इसको रट लेना, और हो सके तो इस चैप्टर का जो मीनिंग है इस चैप्टर से अपने से कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर सको तो करो, और बाकी मैं तो पूरा आंसर इस क्वेश्चन दूंगा ही, तो अगर आपको चाहिए इस चैप्टर का आंसर इस क्वेश्चन, या फिर कुछ भी चाहिए इसका वर्ड मीनिंग, इसका पूरा मीनिंग चैप्टर का, तो मुझे कमेंट करके बताना, और मैं मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।